वेलकम बैक जागो इंडिया में। अब वक्त हो गया है आज की अच्छी खबर का। भारतीय वायुसेना महिलाओं की उड़ान को पंख दे रहा है। वायुसेना में बड़ी तादाद में भर्ती होकर महिलाएं देश की सुरक्षा का जिम्मा उठा रही हैं। जी हां, पिछले 3.5 सालों में 607 महिलाएं वायुसेना में शामिल हुई हैं। ये महिलाएं अब पुरुष सैनिकों की तरह ही देश की सुरक्षा कर रही हैं। भारतीय वायुसेना महिलाओं की उड़ान को पंख दे रहा है। वायुसेना ने लिंग समानता को लेकर एक मिसाल कायम की है। जहां साल 2013 में आर्मी और नौसेना में कमीशन महिलाओं की तादाद में गिरावट आई है, वहीं वायुसेना में महिलाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वायुसेना में कॉम्बैट रोल के लिए फ्लाइंग ऑफिसर के तौर पर 3 महिलाओं को शामिल करने के फैसले को मंजूरी मिलने के बाद अब तक 142 महिलाओं को सशस्त्र बलों में भर्ती किया जा चुका है। इनमें से 60% यानी करीब 85 महिलाओं ने वायुसेना ज्वाइन की है। 37 महिलाओं ने आर्मी जबकि 20 ने नौसेना को चुना। पिछले 3.5 सालों के आंकड़ों पर गौर करें तो जनवरी 2013 से जून 2016 तक कुल 1109 महिलाओं की भर्ती की गई, जिनमें से सबसे ज्यादा 607 महिलाएं वायुसेना में भर्ती हुई, जबकि सबसे कम 162 महिलाएं नौसेना में गई। महिलाएं किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं, पुरुष सैनिकों की तरह ही वो भी देश की रक्षा कर सकती हैं। बड़ी तादाद में महिलाओं की भर्ती कर वायुसेना इस बात पर मोहर लगा रही है कि देश के लिए एक शुभ संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। आशा ये अच्छी बात है कि महिलाएं आसमान में भी पुरुषों से कंधा मिला रही हैं। बिल्कुल वही दौर है और चल रहा है और अभी और आगे बढ़ेगा भी, इसी की उम्मीद। फिलहाल चलिए इसी के साथ यहाँ वक्त एक ब्रेक का।